सस्ती ले लो, वो भी चलेगा। लेकिन कोई मुझसे मेरा पैसा नहीं चुरा सकता। इंदु मूलंगा Thank you.
अब इनसे मैं सारे उधार चुका दूंगी। Excuse me, ma'am. I'm sorry, bad beat. Wow. Yeah, thank you. तुम्हारे पास पॉकेट एसेस थे? Yes. कमीने चीटर? What cheating? It's part of the game. भाड़ में जाए तू, तेरे रूल्स। सस्ते विन डीजल, तू छोड़ साले, दफा हो जा, मर जाकर कहीं। You witch! You said you will give back my money today. Pull out my password. You said you will give back my money today. You know what? आज मैं जरूर जीतूंगी और वही पैसे मुंह पर मारूंगी तुम्हारे। For you? ये साले गुंडे जो सही से गुड मॉर्निंग ना कहने पर गोली मार देते हैं, तुमने सिर्फ एक गेम के लिए इनसे पैसे उधार ले लिए? तुमने एक हफ्ते का कहा है, कैसे करोगी बताओ? अगले हफ्ते है मायामी पोकर फेस्टिवल। अरे नहीं, अगर हम टूर्नामेंट तक पहुंच गए तो सारा उधार चुका देंगे। बस कहीं से $10,000 का जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाए। ए, याद आया, यहाँ ना एक इंडियन रहता है, वो सबको लोन पर पैसे देता है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। फिर इंतजार कैसा? हाँ, उससे $10,000 का लोन मांग लेते हैं। तुम माही की बात कर रही हो? लड़की के ना तो मार्क्स अच्छे हैं ना ये अटेंडेंस रिकॉर्ड। क्या फर्क पड़ता है, सर से लोन चाहिए और हमें इंटरेस्ट चाहिए, दैट्स इट। चुप कर तू और तेरा ज्ञान। आज 16 तारीख है, पहली तारीख तक पॉकेट मनी मिल जाती है ना। हाँ सर। तो फिर लोन लेने क्यों आई हो? वो सारे पैसे तो पार्टी में खर्च हो गए थे। अच्छा, पार्टीज। पेरेंट्स अपना खून पसीना बहा कर तुम लोगों को पैसे भेजते हैं और तुम लोगों से पार्टी में उड़ा देते हो। किशोर सर, मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखे बिना किसी को लोन नहीं देता, मुझे और डॉक्यूमेंट चाहिए उनके साथ आना। तो कॉलेज का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सर, टैली प्रोग्राम से अकाउंट मैनेज करना आसान हो जाएगा। और आने वाले का क्या हुआ, मार्केट में हर रोज नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, सभी को खरीदना जरूरी नहीं है। से आपके सीने में चोट लग गई हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही जोर से लगी है। अब चले। प्लीज स्टॉप, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। तुम कर सकती हो। प्लीज रुक जाओ। यस आसानी हो जाएगी। अकाउंट और इंटरेस्ट के डिटेल्स हमें जुबानी याद होने चाहिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत। हाँ?
आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। प्लीज सर, दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट। नो नो नो, धंधे का पहला रूल है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। रूल नंबर टू ये है कि सभी विजिटर्स को हमारे रूल्स के बारे में ज्ञान देने से अच्छा है तो उन्हें नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लगा देता। मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा। सर, सर वो दिख रही है। सीरियल नंबर धारने क्या सीरियल नंबर बोलो। ठीक है सर, बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, नो नो नो, वो इंडियन लड़की है। मैं या मैम, आप आ जाइए, आ जाइए। सर, अगर लड़की ने कहा कि वो अकेले में बात करना चाहती है तो कुछ बहाना बनाकर निकल लियो। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे $10,000 का लोन चाहिए। इसे तो लोन चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं, क्या हमें कोई आप डॉक्यूमेंट्स दे सकती हैं? कैसे डॉक्यूमेंट्स? वही ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पासपोर्ट। ये रहा मेरा पासपोर्ट, रखे से, और अब मैं तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार कर ही वापस लूंगी, गधेड़ो। नहीं है, कोई बात नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस? मुझे ड्राइविंग नहीं आती सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर, पे स्लिप या कोई और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट? ये है मेरा आईडी और डॉक्यूमेंट्स, अब तुझे तेरे पैसे लौटा कर ही मैं इन्हें वापस लूंगी, गंजेड़ू। अरे यार, सॉरी मैडम, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर आपको लोन मना करने से पहले मेरी मजबूरी सुननी नहीं चाहिए। सॉरी, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, आप जा सकती हैं, हमारे पास और भी बहुत काम है। तुझे कौन सा काम है, पहले सुन तो ले। आखिर ऐसी जैसे अंबानी हो। ठीक है, कहिए मैडम, आप क्या कहना चाहती है? मैं 9 साल की थी जब पेरेंट्स गुजर गए। मैंने अपना बचपन एक क्रिश्चियन अनाथालय में बिताया। उस वक्त मेरा साथ सिर्फ मेरी किताबों ने निभाया। मैंने चर्च के फादर से मदद ली और हायर स्टडीज के लिए अमेरिका आ गई। सर, इसने आपकी कहानी आपको ही चिपका दी। कर, क्या ऐसा किसी और के साथ नहीं हो सकता? ऐसा बहुतों के साथ होता है। तब से मैंने अपने मास्टर्स के लिए बहुत से काम किए, छोटे बड़े सभी तरह के, पर मास्टर्स की फाइनल एग्जाम है और पार्ट टाइम जॉब के साथ अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगी। अगर आप मुझे $10,000 दे देंगे तो मैं अपनी फीस देकर अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। तुम कर लोगी, ये तो मैं जानता हूँ, पर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। मेरी लाइफ में बहुत से गोल्स हैं, बहुत से अनाथ बच्चों को गोद लेना, उनकी शिक्षा का ख्याल रखना, और इसी वजह से मैंने शादी ना करने का भी फैसला लिया है। इस समय शादी कहाँ से आ गई? दोनों भी तो कर सकती हो ना, प्रॉब्लम क्या है, है ना किशोर? सर, ये काम साथ में भी तो किए जा सकते हैं ना। बिल्कुल सही सर। तुम पहले ये बेकार का फैसला बदलो। कौन सा? अरे, शादी ना करने का। लेकिन सुनो मैडम, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इतना बड़ा डिसीजन अचानक कैसे? क्यों, क्यों नहीं, क्या मैंने बिना डॉक्यूमेंट्स के इतना बड़ा लोन देने का फैसला नहीं लिया? मतलब आप, आपका लोन सैंक्शन हो गया। किशोर, इसे पर्सनल एक्सपेंस में जोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज आप अपना फोन नंबर यहाँ लिख दीजिए।
मोबाइल नंबर आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो, हमें इंटरेस्ट हर महीने की 9 तारीख को चाहिए होता है। आपको बस इसका एक रिमाइंडर मिलेगा, अगर आपने जमा नहीं किया तो आपका सामना इनसे होगा। ये कहना जरूरी था? लेकिन सर वो रूल्स तो क्लाइंट को देख कर बात करनी चाहिए। ठीक है सर। मैं एक एक पाई संभाल कर खर्च करूंगी। मुझे यकीन है, एग्जाम अच्छे से देना। मैं आपकी सेहत के लिए हर रात दुआ करूंगी। क्या लगता है किशोर, ये फूल मेरी जिंदगी में खुशबू लाएंगे? क्या सर? फूल जिंदगी में खुशबू लाएंगे? लगता तो ऐसा ही है सर। सौम्या, आज तो मैं मजे से खेलूंगी। किसी मधुर धुन से कम नहीं। यार किशोर, सर मुझे लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मजाक कर रहे हैं ना? मजाक ही कर रहे होंगे, वो कितनी छोटी बच्ची है। जरूरी बात है इंसान का अच्छा होना, बाकी सब उम्र के साथ ढल जाता है। लाइब्रेरी में पढ़ रही है। सर अभी 1:30 बज रहे हैं, दुनिया में कहीं भी 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी होती नहीं है। लाइब्रेरी में ना सही लॉन में तो हो सकती है ना। कुछ लोगों के लिए स्ट्रीट लाइट भी काफी होती है। गधा कहीं का हमेशा गलत सोचता है। मुझे नहीं पता सर, उससे मिलने के बाद आप किसी दूसरी दुनिया में ही जी रहे हैं। गधा, वो बस इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं जल्दी शादी करने जा रहा हूँ। शादी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लड़की कौन है? कौन है लड़की? क्या आदमी है तू यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सवाल। कलावती और कौन, मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। शादी करके जल्दी से अपना परिवार बसाऊंगा। किशोर सर, अब क्योंकि कलावती शादी के बाद यहाँ आ जाएगी, अच्छा होगा कि तू अपना इंतजाम कहीं और देख ले, कहीं तुझे बाद में ये ना लगे कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ, मुझे यूज एंड थ्रो वाली फीलिंग ना आए। सर आप मेरी छोड़िए, आपने कहा ना यूज एंड थ्रो, मुझे लग रहा है कहीं ये बात आप पे लागू ना हो जाए। दहाड़ में जाए तू और तेरी गंदी जुबान। बाबा मांगा क्या पिछड़ा वंशज, तेरी कही हुई बात क्यों सच होने लगी? इसे पालने से अच्छा इंसान सांप पाल ले। अरे यार
gonna miss our guys too. You come home drunk all night. You all brats you are. Better rap now. Soumya, उसे एक घंटे में आने को कहो, पैसे मिल जाएंगे. What you say? So she's also requesting. Bad morning. तुम कहाँ से लेकर आओगे पैसे? चुपरे कॉल आ रहा है. कैसीनो हो, घर हो, हर वक्त गेम चालू. हेलो. क्या हुआ? आपने मुझे $10,000 देकर बड़ा एहसान किया था, लेकिन सब बर्बाद. एक घंटे लेट होने की वजह से पेनल्टी के तौर पर $25,000 मांग रहे हैं. मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप कैसे? आप तो पहले ही मेरी इतनी बड़ी मदद कर चुके हैं, मैं आपको और कष्ट नहीं दे सकती. मैं बचपन से ही कष्टों के बीच रही हूँ, अब इन सब से मैं थक चुकी हूँ. ये एग्जाम ही मेरी जिंदगी की रोशनी थी, पर अब वो भी नहीं रही. बस अब नहीं जीना. बस जाने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश कहना चाहती हूँ. मरने के बाद मेरा देह संस्कार आप सिर्फ अपने हाथों से ही करेंगे, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है. यस, किशोर इधर आ. लेकिन सफाई, अरे बाहर में की सफाई, इधर आ. तुमने अभी क्या कहा था? मैं मरना चाहती हूँ. नहीं नहीं, उसके बाद कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है. हर बार इसकी आवाज मेरे बदन में आग लगा देती है. अभी कहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है. $10,000 के लिए $25,000 का फाइन. क्यों? क्या हम लोन के अमाउंट का 3-5 गुना ज्यादा नहीं वसूलते? अगर ऐसी उसे डिफेंड करेंगे तो किसी बात का कोई फायदा नहीं है. दिल हार गए, लेकिन पूछताछ जरूर करना है. वो घटिया पति बनने की जरूरत नहीं है जो हर छोटे छोटे खर्चे का हिसाब मांगते. हस्बैंड वाइफ, ये तो गया काम से. इस बात के लिए मरने चली हो? मुझे डर था कि मैं अपने एग्जाम नहीं दे पाऊंगी. क्या डर? डरने की कोई जरूरत नहीं. सर, लेकिन सर वो आप अब... आपके कॉलेज का नाम बताओ, मैं वहाँ पे फीस भर दूंगा. यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सर, आपको मेरे कॉलेज का कैसे पता? मैंने तुम्हारा पीछा किया था. आपने? क्रेजी. लेकिन क्यों? ये लड़कों वाली बात है. मुझे मैंने सब सुन लिया, सब मुझ पर छोड़ दो. इतनी नफरत क्यों करता है? नहीं, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? हो सकता है उसने बचपन में एक्टिंग की हो. तूने देखा नहीं टाइटैनिक मूवी में कितने सारे बच्चे थे? मेरे 2 पल की खुशी से बर्दाश्त नहीं होती. के लिए टाइम है, पर इंटरेस्ट देने के लिए नहीं. ऐसा क्यों? ए, अब फिर पीछा करो. चलो करते हैं. सर, 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 सर.
कोई बात नहीं सर। बाकी सारे पैसे आ गए? हाँ सर। सुन किशोर, हम सब कभी ना कभी छोटा बड़ा झूठ बोलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसने तो झूठ की लंबी जड़ी लगा दी। सर आपने देखा नहीं, जब कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके हुए थे, तब ये मैडम आपसे ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर मिलने आई थी, लेकिन आपने ध्यान देने की बजाय उसके बालों के गजरों पे ज्यादा ही ध्यान दे दिया, अब उसने आपके गजरे लगा दिए। सही कहा। लेकिन सर आपका हमेशा से खुद पे बहुत काबू था, लेकिन इस लड़की के मामले में आखिर आपको हो क्या गया? That's not you, sir. सही कहा किशोर, मुझे लगा वो जो भी कर रही है वो सिर्फ रोमांस है, अगर ये टैटू नहीं होता तो शायद वो इसे भी ले जाती। इसमें तो कोई शक नहीं है सर। ये ले देख, मिसिंग यू लिखा है, इसे मुझे दो सर। हाय मही, सारा पैसा मुझे कल तक वापस चाहिए, समझ गई ना तू? क्यों? हम खुद को दिवालिया घोषित करने जा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? कल तक हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, समझ गई ना? कल सुबह मिलते हैं, ओके? सर मैं झूठी कहेगी। अचानक क्या हुआ किशोर? किशोर हमारे पैसे मांगो, हमें जाना है। लेकिन सर कुछ दिनों में मेरे एग्जाम है। किशोर ऐसे कोई प्रेजेंट ड्रामा ना करे, चलो चले पैसे लो। मैडम हमारे पैसे कहाँ हैं? लगता है कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सॉरी किशोर, इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं दे सकती। किशोर कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे अभी इसी वक्त चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। किशोर इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, इसे कहो कि पैसे दे दे। किशोर तुम कुछ भी बकवास मत करो। ए कौन है घटिया? हाँ तुम हो घटिया, तुम हो लापरवाह। घटिया आदमी, इसकी भाषा देखी तूने किशोर? घटिया आदमी, ये बात किसी और ने कही होती तो अभी उसकी बोटी बोटी कर दी होती मैंने। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि इसके हाथ पर मेरा नाम का टैटू है। हाँ तुम कोई देवता नहीं हो जो मैं तुम्हारे नाम का टैटू करवाऊंगी, ये रहा मेरा जवाब। ऐसा काम, इसको तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए सबके सामने। बहुत हुआ, तुमने अपनी सारी हदें पार की है, भूलो मत तुम एक लड़की से बात कर रहे हो। ये लड़की है किशोर? पहले जाओ अपनी हरकतें देखो, कोई है जो तुम जैसी को औरत कहेगा? ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ जबान संभाल कर। जी मैं इसे माफ भी करूँ, शुक्र न कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हम तसल्ली से बात करते हैं मैडम। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें भी मिलेगा एक। तुम मुझ पर हाथ उठाया? हाथ ही नहीं बल्कि लाठी मारना। तेरी छोड़ मुझे, अगर बड़ी की औलाद हो तो यकीन रखो। छोड़ मुझे किशोर, रुक अभी दिखाती हूँ। वो लड़की है सर, जो कुछ भी करना थोड़ा सोच कर कीजिए। तुम दोनों गए। हेलो हेलो डैडी, डैडी क्या हुआ? मैंने ईगो में आकर आपसे पैसे मांगने के बजाय यहाँ किसी से पैसे उधार लिए थे, पैसे टाइम से नहीं चुकाए तो अब वो मुझे मार रहे हैं। उसने मारा है तुमसे? पूछा नहीं, उसने मारा। फोन उसे दो। ये लो अब तुम गए। हेलो, हेलो हेलो, क्या कर रहा है? मेरे पैसे मुझे कब मिलेंगे? वैसे स्किन फिजूल हरकतों के लिए असली जिम्मेदार तुम ही हो, और ऊपर से ऐसे दुनिया में खुला भी छोड़ रखा है। जानता है कौन हूँ मैं? पैसा 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 कब भेजेगा? फोन मेरी बेटी को दो। ये लो। इसने कहा था कि अनाथ है। कैसे अनाथ? उसे जरा एक मिनट रोक कर रखो। हाँ ठीक है डैडी, मैं संभाल लूंगा। पैसे कब मिलेंगे? हाँ उन्होंने कहा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो करना चाहो कर लो।
देखो किशोर, ये तुम्हारे लिए आए हैं, डैडी ने भेजे हैं। अरे भैया आप इतने दूर हैं, मेरी जान, हम बेकार दूर में कुछ नहीं किया। सर यहाँ से निकलिए नहीं तो फंस जाएंगे, इसे पुलिस को बुला लिया है। मैं आपसे ठीक मांगता हूँ सर, प्लीज अभी यहाँ से चलिए, बात करके देख लेंगे, इसको संभाल लेंगे। चलिए सर चलिए, हम लोग लंबा फंस जाएंगे, प्लीज चलिए। घर पर नहीं हो क्या? कहाँ वॉक पर? हाँ वॉक करते करते एयरपोर्ट पहुँच गया। एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट क्यों सर? क्या क्यों, मैं कलावती के बाप से अपने पैसे लेने इंडिया जा रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है सर? $10,000 जैसे छोटे अमाउंट के लिए कोई इंडिया जाता है? छोटा अमाउंट? मुझे अंबानी ने गोद ले लिया क्या? याद है जब हम अमेरिका आए थे तब हमारे पास गर्दन पर सिर्फ एक टैटू था, और अब तू $10,000 की बात कर रहा है। मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, ऑफिस का ध्यान रखना। श्योर सर श्योर। जानता नहीं है मेरा जो पहला कस्टमर है ना, एक NRI है। हेलो सर, मैं राजेश हूँ, हैप्पी टूर्स एंड ट्रेवल कंपनी से। वेलकम टू वेजाक सर। आइए सर, मैंने आपका पूरा टूर प्लान कर दिया सर। आप रुकेंगे होटल नोवोटेल में। नोवोटेल क्यों? रुकने के लिए सर। पर क्यों? क्योंकि वैजाग की ये सबसे अच्छी जगह है सर। नोवोटेल क्यों? थोड़ा हम दासपाला चले जाएंगे। क्यों? तो मेघालय शिफ्ट हो जाएंगे सर, इकोनॉमिकल है। अब इससे सस्ता तो मेरा घर ही बचा सर। लॉक कर दो। जगह इतनी भी बुरी नहीं है, वैसे भी 5-स्टार होटल में ऐसा क्या जो यहाँ नहीं है। राजेश तुम अपना 150 ले लेना जो होटल वाले तुम्हें देते हैं, तुम्हारा धंधा भी हो जाएगा और मुझे घर जैसा माहौल भी मिल जाएगा। हेलो, फिलहाल के लिए सब कैंसिल कर दो, ये आदमी ठीक नहीं लगता। राजेश भाई, हाँ, ये लॉन्ड्री वगैरह का क्या सीन है? अब 50 के पैकेज में ये भी चाहिए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सब करें, पर होगा कैसे? देखता हूँ। ठीक है। नरसिम्हा स्वामी के बारे में सुना है? उनकी मूर्ति को साल भर
चंदन के बक्से में रखा जाता है, क्योंकि किसी में भी उनके रोज के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं है। मैं भी ऐसा ही भगवान हूँ, बाहर से देखने में एक बिजनेसमैन, लेकिन जिसने मेरा असली रूप देखा वो श्रीनो, इन्होंने मुझे लोन चुकाने को कहकर बड़ी जरूरत की है। ये या तो बहुत ईमानदार है या फिर बहुत जिद्दी है। मुझे इन दोनों शब्दों से नफरत है। से मिलना है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वाई है, यूएसए से आया हूँ। ये फैक्ट्री लेआउट है अन्ना, एक बार हमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का अप्रूवल मिल जाए काम शुरू कर देंगे। आप एक बार उनसे बात करके। हेलो सर, मैं माही हूँ। बैठो। बोलो। हमने फोन पर बात की थी। कब? आपकी बेटी ने मुझे फोन दिया था आपसे बात करने के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। मुझे लगा कि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा गैर जिम्मेदार तरीके से जी रही है। मैं बस उसे इसी बात का एहसास करवाना चाहता था। हमको डिसिप्लिन सिखाने वाला आखिर तू होता कौन है? हाँ, तो डिसिप्लिन सिखाएगा। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आए? आपकी बेटी ने मुझसे $10,000 का लोन लिया था। मैं वो अमाउंट आपसे लेने आया हूँ। क्या तुम अमरीका से इतने दूर $10,000 लेने आए थे? मैं ये ₹10 के लिए भी करता। पैसा किसी के पास होता है तो लगता है कि जैसे मेरा कोई रिश्तेदार उनके पास हो। इसलिए उसूल, मेरी भी नींद उड़ जाती है जब कोई मेरे परिवार को छूता है। मेरी बेटी का फोन आएगा, उससे तुम माफी मांगोगे और लोन भूल जाओ। खुशी मनाओ कि तुम विजाग से जिंदा वापस जा पाओगे। हेलो डैड, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में हूँ। बोलिए। बेटी, जिसने तुम्हें अमेरिका में थप्पड़ मारा था वो भी मेरे ऑफिस में है। अपना $10,000 का अमाउंट मांग रहा है। क्या? वो इंडिया में है। डैड, उसे कुछ मत देना, उसने मेरी बहुत इज्जत की है। ऐसे तो उसे नहीं मिलने वाले, फिलहाल तो वो तुमसे माफी मांगेगा। सॉरी बोल। सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? उसने मुझे थप्पड़ मारा डैडी, आप उसके पैर काट दीजिए। उसने आपको भी भला बुरा कहा था, उसे कुछ मत देना। क्या सर, इतनी गंदी जुबान और ऐसा बर्ताव। माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए और आप उसे समझाने की जगह ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं। ए, तो तकों ने हमको लेक्चर दे रहा है, नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लगा? मार डालूंगा। मेरे अंदर की ईगो ने कहा मैं कल भी आऊंगा और पैसे मांगूंगा, और उसके अगले दिन भी। मैं तब तक मांगता रहूंगा जब तक आप लोग पिघल नहीं जाते। नहीं पिघलेंगे। मिश कैसा होगा? गार्ड्स। हेलो सर, उठो और बाहर जाओ, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। रुको रुको सर, मेरे गार्ड्स। सर प्लीज निकलिए, उठिए, चलिए चलिए, मैंने कहा। सर प्लीज। सर जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं विजाग नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका जैसे मुझे पता ही नहीं। बस बहुत हुआ,
बाकी का मैं तुझे दिखाता हूँ। ये गन क्यों? आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या ना मारू? अच्छा तो मारू। भड़का मत बुझाए। दुनिया भर का ज्ञान बेल रहे, छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। ये नहीं पता कि उधार चुकाना भी होता है। अन्ना रुक जाइए, बहुत हो गया यहाँ पर, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। अन्ना तो क्या हुआ? ए, मैं राजेंद्र नाथ हूँ। अच्छा तो सबको बताओ ना, आप राजेंद्र नाथ है? ये राजेंद्र नाथ है, सबको पता है। और अगर आपने मेरे पैसे नहीं लौटाया तो ये नाम पूरी दुनिया में भी जाएगा। देखा तुमने, ये कैसे बात कर रहा है? भैया ऑफिस में चलके इससे बात करते हैं, देखिए बहुत लोग यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं? क्या करेगा तू? बोलना क्या करेगा? कुछ कर ही ना दे तू। सुन, तूने भरे बाजार राजेंद्र नाथ से पंगा लिया है। सुन, आर के बीच पर इन सबको एक लावारिस और कटी फटी सड़ी हुई लाश मिलेगी, वो तेरी होगी। अगर लाश ने शर्ट पहनी हुई हो तो उसकी जेब में $10,000 डाल देना। Thank you.
काम हो गया। एक छोटी मछली अगर शार्क से भिड़े तो क्या होगा? बस वही हुआ है। कौन है तू? मैं महेश, विजार से सीधा लाइव सर। आपकी भेजी हुई मछलियां यहाँ पहुंच गई। मैंने उनको अच्छे से काट कर उनकी अच्छी खातिरदारी कर दी। ये मछलियां इस तरह समुद्र में रहने लायक नहीं, इन्हें अपने एक्वेरियम में सजा लेना। इन्हें फिर कभी समुद्र में शिकार करने के लिए मत भेजना, ये वापस नहीं आएंगी, क्योंकि समुद्र मेरी जैसी शार्क मछलियों से भरा हुआ है। I'm away! राजेंद्र नाथ को मुझे $10,000 देने हैं। आप देख सकते हैं कि उनका क्या जवाब आया। राजेंद्र सर पर आपके $10,000 का उधार था, आप मजाक कर रहे हैं क्या? वो आपसे उधार क्यों लेंगे? सवाल तो काफी अच्छा है, मैं खुद पूछना चाहता हूँ। बताइए सर, इतने बड़े आदमी होकर मुझसे $10,000 लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? प्लीज सर, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हेलो, ये सब क्या है? एक छोटे से मामले को आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? सुन, मैं तुझे $1,00,000 भी दे सकता हूँ। मुझे देने के बजाय आप $10,000 उससे क्यों नहीं देते थे? वो जिद्दी लगता है, मामले को और ना उलझाए। मामला बहुत छोटा है, बीच में ईगो मत लाइए। तूने मामला बिगाड़ दिया है। मैंने? ये सब मैंने कैसे किया सर? फर्स्ट टाइम जब मैं ऑफिस आया, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? सर प्लीज सर, सर लड़की, सर लोन। और अब इस मामले को अगर बढ़ाया किसने सर? सुब्रह जो मेरी कॉफी का है। ओह, भूल गया था। बोल, कॉफी बोलना। कॉफी? जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मैंने तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ देने के लिए यहाँ बुलाया है। सुपर, और ये चैप्टर यही खत्म? मैं कब से यही तो कह रहा था सर। लेकिन एक कंडीशन पर। ए सुपराजू, कॉफी का क्या हुआ? ए भोपाल, कॉफी लेके आना। फास्ट फास्ट बोलिए। उन्हें मीडिया से बात करके मेरी और मेरे परिवार की इज्जत उछाली है। सब सवाल कर रहे हैं कि राजेंद्रनाथ ने $10,000 का उधार क्यों लिया। प्रेस और सोशल मीडिया में हर जगह मेरी धू धू हो रही। अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो तू आसानी से चला जाएगा। उन इल्जामों का क्या होगा जो तूने मुझ पे लगाया है? इसलिए काम कर, सबसे कबूल कर कि तू एक ब्लैकमेलर था और जो तूने किया वो सब झूठ था। मुझे प्रेस और मीडिया के सामने ये मानना होगा कि मैंने या मेरे परिवार ने तुझसे कभी उधार नहीं लिया। तेरी तो ए सुब्राजू, कॉफी का है। काफी अच्छी है सुब्राजू। इतना ड्रामा, लगता है जैसे किसी का मर्डर का इल्जाम लेने के लिए कह रहे हो। बस इतनी सी बात। बुला लो प्रेस, मैं कन्फेस करूंगा। पिछले 40 सालों से मैं विजाग में एक राजा की तरह जी रहा हूँ, एक बेदाग राजा। फिर कहीं से अचानक कोई गुमनाम इंसान आता है और ये अफवाह फैलाता है कि मुझ पर उसका $10,000 का उधार है, और ये खबर वायरल हो जाती है बिना इस बात की परवाह किए या आखिर सच है क्या। दरअसल ये आदमी ब्लैकमेलर है और एक मंजा हुआ लुटेरा है जो बड़े बड़े परिवारों से पैसे ऐंठता है। ये खुद इस बात को कबूल करता है। बताओ इनको। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, मैंने राजेंद्र नाथ जी के बारे में आप सबसे झूठ कहा था। ये उन
इनकम उस पर $10,000 का उधार है। ये बात सच नहीं है। तू क्यों बात कर रहा है? तो तूने सबसे झूठ बोला। ये सब क्या है? ये सब ब्लैकमेलिंग क्यों? आखिर क्यों? क्या तुम्हें ये मीडिया मजाक लगती है? ये आदमी ऐसे ही नहीं बच सकता। चलो पुलिस को बुलाओ। सबने मीडिया का मजाक बना के रख दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग क्यों हमें प्रेस मीटिंग को बुलाते हैं मजाक उड़ाने के लिए। साइलेंस। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। दरअसल राजेंद्र नाथ को मुझे $10,000 नहीं, $10,000 करोड़ देने हैं। क्या 10,000 करोड़? यस, 10,000 करोड़ रुपए, वो अमाउंट जो इन्होंने मुझसे उधार लिए थे। जब तक ये अमाउंट मुझे नहीं लौटा देते तब तक मैं विसाग नहीं छोड़ूंगा। तो क्या अब मैं चलूं? गवर्नमेंट का बेट 10,000 करोड़। सर राजेंद्र नाथ पर एक अमेरिकन इंडियन का करोड़ों का। साले क्या आराम से बैठा है वहां बकवास करके? $10,000 बोल के $10,000 करोड़ मांग रहे तू हमसे? एनआरआई है इसलिए रैम कर रहा हूँ। नहीं तो क्या कर लेता? क्या करता तू अगर मैं एनआरआई नहीं होता तो? क्या करता तू अगर मैं एनआरआई नहीं होता तो? बकवास की बहस। अब तेरे तो तुम्हारे हर एक कदम पे तुम्हारा बॉस फटके खाएगा। वहीं पर रुको। कुछ लोगों को उन चीजों पर हाथ नहीं डालना चाहिए जो उनके ना हो। उदाहरण के लिए मेरा कॉलर। उस दिन बीच रोड पर तेरा जीजा मुझसे मार जरूर खाता, क्योंकि वो बुजुर्ग है इसलिए जाने दिया। अब बता तेरी क्या समस्या है? मैंने बेबी को फोन किया था, उसने बोला $10,000 ही बनते हैं तेरे। उसने वही कहा जो उसे पता है, लेकिन ये सच नहीं। तेरी बेबी ने मुझे उसके प्यार में फंसाया था, ठीक उस वक्त जब जैसी को मुझसे प्यार हो गया था, जो मेरे पीछे दीवानी थी। जैसी खूबसूरत और अमीर दोनों का पैकेज थी, लेकिन तेरी बेबी के प्यार में आकर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। नाराज होकर उसने कहीं और शादी कर ली। जानता है उसकी संपत्ति कितने की है? कितने? 10,000 करोड़। ये जो नुकसान मुझे तेरी बेबी की वजह से हुआ है, अब इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? भरेगा या तेरी बेबी? कौन भरेगा? चीजा जी देंगे, मेरा चीजा जी देंगे। राजेंद्र नाथ, बिजनेस लोन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन $10,000 का जो लोन आपने उस लड़के से लिया है वो कंपनी के किसी भी खाते में नहीं दिख रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए हम क्विट करते हैं। साल पुरानी कंपनी की बुनियाद हिला दी। वो आखिर है कौन? वो आया कहां से और क्यों? सच बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जहां तक मैं जानता हूं, मैंने आज से पहले तुझसे कभी मुलाकात नहीं की। वो आया कौन? जाके चाहिए क्या? ये सब क्यों कर रहा है तू? आप अभी फ्री हैं? अगर हैं तो दिल्ली आ जाइए, बाकी बातें वहीं होंगी। दिल्ली? दिल्ली क्यों? मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में हूं, आ जाइए वहीं बात करेंगे। सर 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 होल्ड, आते समय एक दर्जन सेब और संतरे ले आएंगे। क्यों?
फ्रूट सर, फल फल, वही सब जो पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप आ गए, बड़ा पंक्चुअल है आप, इसलिए आप वहां हैं जहां आप हैं। लाइए मुझे दीजिए। लीजिए मैडम, सोच कर ही है, इन्हें सब लौटाना होगा जो इन्होंने आपसे छीना है। कल इन्होंने कहा कि मेरे $10,000 देंगे, आज ये फ्रूट ले आए, जल्दी ये $10,000 करोड़ भी देंगे। घबराइए मत, हौसला रखिए। मैडम मैडम, अरे मैडम ये फ्रूट क्यों नहीं लेकर गई? प्लीज सर आइए बैठिए, आइए बैठकर बात करते हैं। आप इन्हें जानते हैं सर? नहीं। जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो इनसे एयरपोर्ट पर मिला था। वो अपने बच्चों से मिलकर अमेरिका लौट रही थी जो वहां पढ़ते हैं, और एयरपोर्ट पर ही पुलिस अथॉरिटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, प्लीज आप यहीं रहिएगा, यहाँ हर जगह कैमरा है, तो प्लीज जरा भी होशियारी मत कीजिएगा। मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं यही मिलूंगी। ठीक है। कर सकती हूँ, एक जरूरी कॉल करना है मुझे। शुक्रिया। हेलो चेरी, मैं हूँ मम्मी। मम्मी हाँ मम्मी, तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मम्मी अपने मम्मी किधर हो? मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी ओके बाय। मम्मी प्लीज, थैंक यू। मैडम क्या सब ठीक है? बाद में उन्होंने मुझे बताया, वो काफी सीनियर बैंक ऑफिशियल है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किए, और अपनी तमाम पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके उसी बैंक से $10,000 करोड़ का लोन लिया जहां वो काम करती थी, बाद में उसी लोन को डिफॉल्ट करवाया, और उन पर एक करप्ट ऑफिशियल होने और रिश्वत लेकर लोन दिलवाने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करवाया।